हेलो फ्रेंड्स, आज बनाते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक रेसिपी जो कि मात्र 5 मिनट में पूरी तरीके से तैयार होकर बन जाएगी। मात्र 2 इंग्रेडिएंट से ये स्नैक रेसिपी तैयार हो जाएगी और इतनी टेस्टी, क्रिस्पी एंड क्रंची बनती है, मैं आपको क्या बताऊं। संडे स्पेशल के लिए तो ये एक बहुत अच्छी स्नैक रेसिपी है और बच्चे तो इसे बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं इस बहुत ही टेस्टी स्नैक रेसिपी को। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉल्ट ऑफ लाइफ, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 2 आलू को उबाल लिया था और फिर उन्हें ग्रेट कर लिया। उन ग्रेटेड आलू को एक बोल में लिया, उसमें डाल दिया 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छी क्वांटिटी में, धनिया पत्ती डाल देंगे थोड़ा सा, और अब सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो इसमें जाएगा वो है ब्रेड क्रम्स। तो मैंने 3 से 4 टेबलस्पून इसमें ब्रेड क्रम्स, नॉर्मल ब्रेड को मैंने मिक्सर में चला लिया था तो ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए, वो डाल दिया। 1 टेबलस्पून, 1 या 1.5 टेबलस्पून के लगभग इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर, स्वाद अनुसार डालेंगे थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा और टेस्ट एनहांस करने के लिए मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा चिली फ्लेक्स और थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स। और अब इन्हें अच्छे से मिक्स करके इसका एक डो तैयार कर लेंगे। हम इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, बिना पानी डाले ही हमारा ये डो आराम से तैयार हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा स्टिकी लग रहा तो हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर इसका एक डो तैयार कर लीजिए। अब जब डो तैयार हो गया हमारा, देखिए इस तरीके से, तो थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे, उस डो पे लगाएंगे ताकि हम आराम से इसे बेल सकें, और हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल इस तरीके से देखिए हम इसे बेल लेते हैं। ये आराम से बेलेगा, और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इसमें थोड़ा सा और सूखा आटा लगा लीजिए। ये देखिए बिल्कुल आराम से बिल चुका है, और अब इसको देंगे हम शेप्स। तो मैंने हार्ट शेप का कटर यूज़ किया। आपके पास जो भी कोई कटर हो, कोई बॉटल का कोई ढक्कन हो, उससे भी आप इसे गोल गोल काट सकते, कोई भी आप शेप में इसे काट लीजिए। हार्ट शेप मैंने यूज़ किया क्योंकि देखने में बहुत अच्छा लगता है, और जो चीज़ दिखती है तो खाने में अच्छी लगती है, तो दिखाने में भी वो बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए हमारे हार्ट शेप्स इस तरीके से कट चुके हैं। एक तरफ तेल बिल्कुल गर्म हो चुका है, तो फटाफट उसे गर्म गर्म तेल में डालेंगे और बिल्कुल डीप फ्राई करेंगे अल्टी पल्टी करते हुए। इसे हम हाई फ्लेम में सेकेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम इसे नहीं करेंगे, और तब तक सेकेंगे जब तक ये बिल्कुल अच्छे से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और ये नाश्ता मैं आपको बता रही हूँ इतना क्रिस्पी और इतना क्रंची बनता है और फटाफट बनता है। अगर घर में अचानक गेस्ट आ जाए और कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप झटपट से इसे तैयार कर सकते हैं, और बच्चों का तो ये फेवरेट होगा। इनफैक्ट टिफ़िन में भी अगर आप उन्हें देंगे वो शौक से खाएंगे इसे। तो देखिए सिक्के बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, मस्त क्रिस्पी एंड क्रंची बने हैं, और इसे आप सॉस के साथ, धनिया चटनी के साथ, इनफैक्ट मैं बोलूँगी ये ज़्यादा सॉस के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।